लेक्चर नंबर हमारा है 36 और कंसेप्ट हमारा आज नया कोई नहीं। हाँ जी, कल जो हमारी डिस्कशन रह गई थी आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पे थे हम। चलिए, असलम कॉन्ट्रैक्ट टू सेल एंड डिलीवर 500 बेल्स ऑफ कॉटन टू कुनाल ऑन ए फिक्स्ड डे। असलम नोज नथिंग ऑफ कुनाल्स मोड ऑफ कंडक्टेड हिज बिजनेस। असलम को कुनाल के बिजनेस वगैरह के बारे में, उसकी ट्रांजैक्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब क्या है? स्पेशल डैमेजेस क्लेम नहीं हो सकते। सिंपल, उसने ये लाइन बताई हमें इसलिए। असलम ब्रेक्स हिज प्रॉमिस एंड कुनाल हैविंग नो कॉटन इज ऑब्लाइज टू क्लोज हिज मिल। असलम ने अपना डिलीवर नहीं कर सका ड्यू डेट के ऊपर और कुनाल को इसकी वजह से अपनी मिल बंद करना पड़ी। व्हाट रेमेडीज अवेलेबल टू कुनाल? कुनाल का जितना भी बिजनेस फ्यूचर का प्रॉफिट था, जो उस मिल के बंद होने की वजह से उसे जो भी नुकसान हुआ, क्या कुनाल सारे का सारा असलम से ले सकता है? नहीं ले सकता। हाँ, अगर ले सकता है तो सिर्फ एक चीज, क्या? ऑर्डिनरी डैमेजेस। और वो क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का डिफरेंस। ऑर्डिनरी डैमेज का जनरल रूल होता है, जब कभी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है तो आपको बताया था सेल एंड परचेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी चीज का, सेल एंड परचेज का कॉन्ट्रैक्ट हो, उसकी ब्रीच हो, तो उसमें जो डैमेजेस पे किए जाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का डिफरेंस होता है। क्योंकि वो कोर्ट कहता है कि ये एक रीजनेबल कंपनसेशन है उस पार्टी को जिसके कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है। नहीं, इसमें अमाउंट मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में अमाउंट ही दी ना। अगर क्वेश्चन में शाबाश, अगर क्वेश्चन में अमाउंट बताई होती तो हम अमाउंट कैलकुलेट करते। कुछ क्वेश्चन में हमने कैलकुलेशन की भी है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में अमाउंट बताई। इस क्वेश्चन में चूंकि हमें अमाउंट नहीं बताई इसलिए कैलकुलेशन नहीं कर सकते। हाँ, बेहतर है ये उसको बता दे कि ऑर्डिनरी डैमेजेस अलाउ किए जाएंगे जो कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का फर्क है। अगर उसने फर्क हमें वो अमाउंट दी होती हम जरूर कैलकुलेट करके उसे बताते। क्लियर जी? जी जी, हाँ, अगर वो यहाँ पे लिखा होता कि असलम को बताया गया है कि उसका बिजनेस क्या है और उसको ये भी बताया गया है साथ, सिर्फ ये बिजनेस बताना काफी नहीं होता कि अगर तुमने ये सप्लाई नहीं किया तो हमारा इतना नुकसान हो जाएगा, तो फिर उसकी वजह से जो नुकसान होगा वो उस सूरत में पे होता। नहीं, कम्युनिकेट अगर नहीं किया ना तो फिर रिकवरी नहीं होगी। एक केस स्टडी थी जिसमें उसने उसे बताया था कि एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज ने एक दूसरे को नहीं बताया, लेकिन दो चार दिन के बाद उनको, एक पार्टी को पता चल गया जिसने सप्लाई करनी थी गुड्स, कि अगर मैंने गुड्स सप्लाई ना की ना तो पार्टी को बड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसने सप्लाई नहीं की। क्या ऑर्डिनरी डैमेजेस क्लेम होंगे? स्पेशल डैमेजेस? सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेजेस। क्यों? एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेट करना लाजमी। तब स्पेशल डैमेज नहीं, मैंने ये नहीं कहा नोज, वो तो आपने कहा ना नोज। अगर कम्युनिकेट किया गया होता है, मैं ये कह रहा हूँ कि इस लाइन के लिखने का मकसद उसका ये है कि हमें बताए कि असलम को कोई चीज कम्युनिकेट नहीं की गई, इसलिए स्पेशल डैमेजेस अलाउ नहीं होंगे। नेक्स्ट 20, इसमें अमाउंट्स आ गए, शायद हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ऑन 1st दिसंबर कासिम कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल एंड डिलीवर 50 टन्स ऑफ वीट एट द रेट ऑफ रुपीज 8000 पर टन टू यूसुफ ऑन 1st जनवरी। ये कॉन्ट्रैक्ट सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक। ऑन 20th दिसंबर यूसुफ आफ्टरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल दोज गुड्स टू हारिस एट रुपीज 10000 पर टन। उसने आगे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 10000 पर मंथ का। कासिम फेल्ड टू डिलीवर गुड्स ऑन 1st जनवरी व्हेन द प्राइस ऑफ द वीट वाज 9500, ठीक है। व्हाट रेमेडीज अवेलेबल टू यूसुफ? अब देखें, ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या होते हैं? जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का फर्क होते हैं। स्पेशल डैमेजेस क्या होते हैं? कि जो कोई दूसरे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किए होते हैं इस ब्रीच की वजह, इस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच की वजह से जो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होते हैं उनका लॉस, ये होता है स्पेशल डैमेजेस। यहां पे पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं अलाउ होंगे कि नहीं, इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। ऑर्डिनरी डैमेजेस वो कितने हैं? 9500 मार्केट प्राइस और 8000 का डिफरेंस 1500, ठीक है। और जो स्पेशल डैमेजेस होते हैं, स्पेशल डैमेजेस वो कितने होते हैं? वो 10000 उसने सेल किया और 9500, यानी अगर वो मार्केट से अब उठाता तो उसे 500 का प्रॉफिट होता। स्पेशल डैमेजेस 500। यहां पे दोनों अलाउ किए जाएंगे, ऑर्डिनरी प्लस स्पेशल, जो कि 2000 की फिगर बनेगी। यहां के सिर्फ ऑर्डिनरी लाओगे, सिर्फ ऑर्डिनरी किए जाएंगे। क्यों? स्पेशल डैमेजेस क्यों नहीं? कम्युनिकेट नहीं किया गया था, कम्युनिकेट नहीं किया गया था, कम्युनिकेट। ये कैसे पता चला? 20 दिसंबर को उसने दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो जाहिर है 1 दिसंबर को पहले कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो 1 दिसंबर को तो नहीं पता था पार्टीज को कि वो कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ बिल्कुल, हाँ, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पहले हुआ होता, सब्सिक्वेंट सेल का एग्रीमेंट पहले कर लेता बाद में ये, तो एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिस कॉन्ट्रैक्ट, फिर दोनों पार्टी को इन्फॉर्मेशन होती, उस सूरत में हम कह सकते थे कि स्पेशल डैमेज अलाउ हो सकते हैं। इस सिचुएशन में नहीं हो सकते, क्योंकि बताया था ना ये एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सब्सिक्वेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सब्सिक्वेंट टू कॉन्ट्रैक्ट करें तो स्पेशल डैमेज अलाउ नहीं होते।
क्लियर। हाँ, यूसुफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट पहले कर लेता, कासिम के साथ बाद में करता और कासिम को बता देता, कासिम को बता देता कि मेरा यूसुफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट, तुमने चीजें सप्लाई नहीं की तो मुझे नुकसान हो जाएगा। उस सूरत में फिर दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का जो लॉस है वो पहले कॉन्ट्रैक्ट के लॉस में ऐड होता। बताना जरूरी है, वरना उसको कैसे पता चलेगा कितने कॉन्ट्रैक्ट किए कितने नहीं किए। क्वेश्चन में हमेशा आपको या क्लियरली बताया जाएगा या इंडिकेशन दी गई होगी। देखिए, इस क्वेश्चन में इंडिकेशन दी गई है, इससे पिछले क्वेश्चन में इंडिकेशन दी गई थी। आपको जिंदगी में कोई एक क्वेश्चन भी ऐसा मिले ना जिसमें उसने स्पेशल डैमेज की इंडिकेशन ना दी हो, ठीक है, तो आपने मुझे बताना है। नॉर्मली अगर फर्ज कीजिए इस तरह का क्वेश्चन हो भी, एक दो क्वेश्चन है भी, उसमें हम फिर पता क्या करते हैं, इफ करके आंसर करते हैं कि स्पेशल डैमेजेस अलाउ किए जाएंगे इफ दिस वाज कम्युनिकेटेड एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इफ करके आंसर कर देते हैं। लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मौजूद होती है जिससे हमें पता चल जाता है कि पार्टीज को नॉलेज था या नहीं था। यहां तक क्लियर? इफ करके लिखते हैं अगर आपको ना समझ आ रही है, लेकिन पहले नोट कीजिए इंफॉर्मेशन से कि आपको, जैसे इस क्वेश्चन में इफ अगर आप करेंगे तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होगी एज पेपर चेकर, कि बताया हुआ है, जब इंडिकेशन दी, क्लियरली नहीं बताया लेकिन इंडिकेशन दी हुई है, तो स्टूडेंट को पिक करना चाहिए कि ये सब्सिक्वेंट हुआ है टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एट टाइम ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट नॉलेज नहीं था पार्टीज को। नेक्स्ट, आजम डिलीवर्स टू बाबर ए कॉमन कैरियर ए मशीन टू बी डिलीवर्ड विदाउट डिले टू आजम्स मिल, इनफॉर्मिंग दैट हिज मिल हैज स्टॉप्ड फॉर वांट ऑफ मशीन। उसने कहा कि जी मशीन मेरी जो है नीड ऑफ मशीन की वजह से मिल मेरी रुकी हुई है। बाबर अनरीजनेबली डिलेज द डिलीवरी ऑफ मशीन एंड आजम इन कॉन्सिक्वेंसिस लूजेज ए प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट। इसमें ऑर्डिनरी डैमेजेस तो है ही नहीं, क्योंकि सेल पर चेज का डिलीवरी में उसने डिले किया, ठीक है, ऑर्डिनरी डैमेजेस को इसमें इन्वॉल्व नहीं, इससे एग्री करते हैं। अब स्पेशल डैमेजेस का केस है कि उसके डिलीवर ना करने की वजह से फैक्ट्री नहीं चली, फैक्ट्री नहीं चली तो गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर जो कहानी में ट्विस्ट है वो क्या है वो सुनना। अगर फर्ज कीजिए कि मैं इनको रॉ मटेरियल सप्लाई करता हूँ, इनकी फैक्ट्री है, और इन्होंने मुझे बताया भाई अगर रॉ मटेरियल सप्लाई, मैं ना रिजर्व कोई नहीं रखता स्टॉक का, अगर तुमने रॉ मटेरियल मुझे सप्लाई ना किया फैक्ट्री मेरी रुक जाएगी। मैंने सप्लाई नहीं किया, 3 दिन के लिए इनकी फैक्ट्री रुक गई, क्या इनको लॉस हुआ मेरे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हुआ? मुझे कंपनसेट करना है, कितना करना है भला? 3 दिन का क्या चीज़ प्रॉफिट, जो एनुअल प्रॉफिट होगा वो 3 दिन की कैलकुलेशन की जाएगी, मैं इसको पे करूंगा। अगर ये कहे नहीं भैया इन 3 दिनों में तो मेरे पास एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आया था जिसके ऊपर मुझे 2 साल का प्रॉफिट होना था, क्या मैं अभी भी 3 दिन का प्रॉफिट पे करूंगा कि 2 साल का? क्यों 2 साल का क्यों नहीं? क्योंकि इन्होंने मुझे 2 साल की बात नहीं बताई थी कि ऐसा खसूसी कॉन्ट्रैक्ट आया है, इन्होंने मुझे जितनी इंफॉर्मेशन दी उसके मुताबिक ही लॉस होगा ना। यहां पे मुझे बताइए क्या यह बताया गया था कि गवर्नमेंट के साथ एक सूसी कॉन्ट्रैक्ट है तो हमने चीज सप्लाई ना की वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, कि जनरल बात की थी कि हमारी फैक्ट्री रुक जाएगी तो फिर प्रॉफिट भी जनरल होगा, जो डैमेजेस कैलकुलेट होंगे वो भी जनरल प्रॉफिट की बेस पे होंगे, इस स्पेशल प्रॉफिट की बेस पे नहीं होंगे। क्योंकि जितने उसने अगर देखे फर्ज कीजिए 3 कॉन्ट्रैक्ट उसके रुक जाते हैं, लेकिन उसने हमें सिर्फ 1 कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया कि अगर तुमने मुझे हमें माल सप्लाई ना किया हमारा 1 कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन असल में उसके 3 कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए हमारी वजह से। हमने स्पेशल डैमेजेस कितने के पे करने हैं? कितनी? एक। क्यों? क्योंकि उसने कम्युनिकेट एक का किया, तो जिस चीज का उसने कम्युनिकेशन ही नहीं की उसकी कंपनसेशन भी हमने नहीं करनी, स्पेशल डैमेजेस में उसको इंक्लूड नहीं करना। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? चलिए आगे चलते हैं। 22 जोसेफ कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे सम ऑफ मनी टू मिस्टर बी ऑन ए डे स्पेसिफाइड, जोसेफ डज नॉट पे द मनी ऑन दैट डे, बी इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट रिसीविंग द मनी ऑन दैट डे इज अनएबल टू पे हिज डेट्स एंड इज टोटली रूइंड, हाउ मच इज जोसेफ लायबल टू पे टू बी। अब मैंने इनको 1 लाख रुपया पे करना था, इन्होंने आगे बैंक को पे करना था, ड्यू डेट में मैं 1 लाख पे नहीं कर सका, ये आगे बैंक को पे नहीं कर सके, बैंक ने इनके खिलाफ केस किया, इनको डिफॉल्टर करार दे दिया गया, इनके बिजनेस वगैरह हो गए बंद। जब कोई बंदा डिफॉल्टर करार दे दिया जाता है उसके बिजनेस इंसॉल्वेंट खत्म, ये कह लेगा भाई जान मेरी तो सारी कमर्शियल लाइफ डिस्ट्रॉय होगी, तबाह हो गई, तो अब मेरा सारी जिंदगी का प्रॉफिट दीजिए। क्या मैं सारी जिंदगी का प्रॉफिट दूंगा? सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट जो पे करने हैं, क्योंकि वो टू रिमोट हो जाएंगे। एक तो रीजन ये है कि हमें बताया नहीं गया, ये भी रीजन है, और दूसरा वो टू रिमोट भी है सारी जिंदगी के प्रॉफिट। यहां पे ये बंदा प्रिंसिपल, जोसेफ ने प्रिंसिपल अमाउंट पे करनी है लेकिन एक और अमाउंट पे करनी है इंटरेस्ट। लॉ ये कहता है अगर आपने किसी को पैसे दिए और पैसे देने थे नहीं दिए ड्यू डेट पे, तो जितना डिले किया ना उसका रीजनेबल इंटरेस्ट आपको पे करना होता है, और नॉर्मली रीजनेबल से मुराद उसकी मुराद होती है 6%। लॉ नॉर्मली 6% को रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसिडर करता है।
लेकिन हम यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं करेंगे, किसी लॉ में मेंशन है किसी लॉ में मेंशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेंशन नहीं है, हम सिर्फ रीजनेबल इंटरेस्ट करें, हम कहेंगे रीजनेबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे की जाएगी, जोसेफ प्रिंसिपल भी पे करेगा। आपको याद है इंटरेस्ट वाली बात हमने किसी और जगह भी पढ़ी थी, किस जगह? टेंडर ऑफ मनी का केस था। हाँ, टेंडर ऑफ मनी में अगर प्रोमिजी टेंडर ऑफ मनी को एक्सेप्ट नहीं करता तो प्रोमिजर ने ओरिजिनल अमाउंट पे करनी है। नॉर्मल रूल ये होता है कि डिले ऑफ पेमेंट की वजह से इंटरेस्ट पे होता है, लेकिन यहां पे हमने कहा था इंटरेस्ट पे नहीं होगा, क्योंकि डिले प्रोमिजर की गलती नहीं थी, प्रोमिजी की गलती थी, प्रोमिजी की गलती थी। ये क्लियर? जी मिस्टर पी एशी पोनर, कोई कल वाली केस, तीन चार था मेरे कल, इस तरह की कैसे कर दे चले आगे कौन नहीं नहीं आगे नहीं देख रहे हैं, कसम नहीं खानी है सारे एग्जाम्पल कराए। पी ए शिप ओनर कॉन्ट्रैक्ट विद हारिस टू कन्वे हिम फ्रॉम कराची टू सिडनी इन पी ए शिप सेलिंग ऑन द 1st of January एंड हारिस पेज टू पी बाय वे ऑफ डिपॉजिट 50% ऑफ हिज पैसेज मनी। कहता जी कराची से उठा के सिडनी पहुंचा देंगे तुम्हें, और जितना किराया तय पाया 50% एडवांस पे कर दिया हारिस ने। Ship does not sail on the 1st of January and Haris after being in consequences detained in Karachi for some time. Ship nahi gayi aur Haris Karachi mein hi phas gaya. And there were put in some expenses proceeds aur kuch khazaina wahan pe hotel mein stay karne ke liye idhar udhar khane pe uske kuch extra expenses lage honge. Uske baad Sydney gaya in another vessel and in consequences arriving too late in Sydney loses a sum of money. How much is P liable to pay to Haris? Pehle se advance wapas karega, खर्चे हुए वापस करेगा, जो सिडनी में कॉन्ट्रैक्ट का लॉस हुआ क्यों नहीं करेगा, कम्युनिकेट नहीं किया गया था। ये स्पेशल डैमेजेस है, ये ऑर्डिनरी डैमेजेस है, ये स्पेशल डैमेजेस है, स्पेशल डैमेजेस चूंकि कम्युनिकेट नहीं किए गए थे अलाउ नहीं होंगे। ये वो वैसे ही ऊपर वाला केस है, मिलता जुलता, ठीक है जी जी हाँ। अब देखिए 50% उसने डिपॉजिट अपने पास रखा ना, तो जितने अरसे के लिए जब तक वो पैसे वापस नहीं करता, पैसे वापस आने हैं, लेकिन जब तक अगर तक उसी दिन पैसे वापस कर देता है जिस दिन उसने डिफॉल्ट किया 1 तारीख को, तो फिर तो सिर्फ एडवांस वापस आएगा, लेकिन जितना डिले करता जाएगा उतने दिनों का इंटरेस्ट भी इसको पे करना पड़ेगा। अगर तो एट डे ऑफ ब्रीच पैसे वापस कर देता है नो इंटरेस्ट, फिर उसके बाद जितना डिले होगा कोर्ट उसका इंटरेस्ट भी पे करवाएगा। 24 जी पेइंग कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल एंड डिलीवर टू पुट इन ऑन द 1st of January सर्टेन क्लॉथ विच मिस्टर पी इंटेंड्स टू मैन्युफैक्चर इनटू कैप्स ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड फॉर विच देर इज नो डिमांड एक्सेप्ट एट दैट सीजन। यानी मिस्टर एक्स ने मिस्टर पी को कुछ रॉ मटीरियल सप्लाई करना है और मिस्टर पी उनसे कैप्स बनाएगा जो कि सिर्फ सर्दियों में बिकेंगी। क्लॉथ इज नॉट डिलीवर्ड टिल आफ्टर द अपॉइंटेड टाइम एंड टू लेट टू बी यूज दैट ईयर इन मेकिंग कैप्स। वो गर्मियों के शुरू में उसने माल सप्लाई किया, अब जाहिर है वो सेल तो हो नहीं सकते। हाउ मच इज पुट इन एंटाइटल टू रिसीव फ्रॉम मिस्टर एक्स? मिस्टर एक्स से कितनी अमाउंट रिकवर करवाई जा सकती है? लेट डिले ऑर्डिनरी डैमेजेस, ऑर्डिनरी डैमेजेस यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ उसने जो रॉ मटेरियल सप्लाई, जो लेट डिलीवरी की ना, हाँ जी, अब लेट डिलीवरी की बात की तो इसकी वजह से कंपनसेशन पे होनी चाहिए, ठीक है। अब कंपनसेशन क्या होगी? अगर तो वो डिलीवर, अगर उसने क्वेश्चन में हमें बताया होता ना कि मिस्टर पी ने ड्यू डेट के ऊपर ही किसी दूसरी जगह से माल महंगा खरीद लिया है, तो हमारी कैलकुलेशन होती मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का डिफरेंस, लेकिन मार्केट नहीं एग्जिस्ट कर रही थी, यानी वो माल सिर्फ उसी बंदे ने सप्लाई करना था, ठीक है। समटाइम ऐसा था कि आप मशीनरी खरीदे ना, जैसे सैमसंग की मशीन फॉर एग्जाम्पल खरीदी, अब उसका पुर्जा नहीं है तो वो सैमसंग वाली सप्लाई करेंगे, आप मार्केट में जाके उसको हाई रेट पे भी नहीं खरीद सकते, तो मे भी कोई इस तरह का मटेरियल हो, उसने कहा भी सर्टन क्लॉथ है, तो इसका मतलब मार्केट प्राइस वाला रूल तो नहीं लगेगा यहाँ पे। अब कितना नुकसान पे करना पड़ेगा? जितना इसका उस बिजनेस का प्रॉफिट लॉस हुआ, जितना उसका रीजनेबल प्रॉफिट था इसकी डिफॉल्ट की वजह से, वो इसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। बुक में क्या लिखा उसने? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, यहाँ पे तो उसकी मार्केट प्राइस है ही नहीं ना, उसने बताया ही नहीं। अगर क्वेश्चन में उसने ये बताया होता ना कि ये उस डेट के ऊपर मार्केट प्राइस ये है और अदर ऑप्शन है कि वो मार्केट से चीज खरीद के उसको चला सकता है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का फर्क। यहां पे एक चीज ध्यान में रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं, एक आपने रॉ मटेरियल एक बंदे से खरीदा, वो ड्यू डेट पे सप्लाई नहीं करता ना, आप मार्केट में किसी दूसरी जगह से भी खरीद सकते हैं। अगर इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर लॉ ये कहता है मार्केट में दूसरी जगह से खरीदें और जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मार्केट प्राइस का फर्क होगा वो उससे
रिसीव कर ले, वो हमारे डैमेजेस होंगे। क्लियर? ये केस समझ आ गया। दूसरा केस, हम कोई चीज ऐसे ही खरीद रहे हैं जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ उसी सप्लायर से मिलेगी, उसी सप्लायर से मिलेगी। अब हमने उसे चीज एग्रीमेंट किया, उसने ड्यू डेट में हमें सप्लाई नहीं किया, जिसकी वजह से हमारा काम रुक गया, क्या अब मार्केट प्राइस का डिफरेंस हम क्लेम कर, मार्केट है या नहीं, लॉस ऑफ प्रॉफिट क्लेम करेंगे? ठीक जी, नहीं, यहाँ पे बेसिकली ऑर्डिनरी डैमेजेस है नहीं ना, यहाँ पे ऑर्डिनरी डैमेजेस है नहीं इसमें, आपने नहीं इसे स्पेशल, आप इसको स्पेशल नहीं, आप इसको ऑर्डिनरी डैमेजेस में कर लें। लॉस ऑफ प्रॉफिट लाजमी नहीं, वैसे एग्जांपल के मुताबिक वो स्पेशल डैमेजेस में आता है, लेकिन यहाँ पे अब डैमेजेस हुए हैं। एक है क्या, वो जो आपको प्रॉफिट अर्न होना था वो नहीं हुआ। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जिसमें उसने दोनों को ऐड किया, वो क्वेश्चन जरा गौर से सुनिएगा। उसने कहा कि एक एग्रीमेंट किया 10,000 चीज का, 10,000 का रॉ मटेरियल मिस्टर एक्स हमें सप्लाई करेगा। ड्यू डेट पे मिस्टर एक्स ने वो सप्लाई नहीं किया। अब ये मिस्टर वाई से चीज खरीद सकता था 12,000 में, लेकिन इसने चीज नहीं खरीदी और मिस्टर एक्स का इंतजार करता रहा, सीजन निकल गया। अब बताइए क्या ये पूरे सीजन का प्रॉफिट क्लेम कर सकता है? नहीं क्लेम, क्यों नहीं? मार्केट प्राइस यहां पे उसे क्या डैमेजेस के तौर पे पेमेंट की जाएगी? 2,000 की, हालांकि उसने खरीदा नहीं है, खरीद, लेकिन मार्केट प्राइस चूंकि 12,000 थी, और ला ये कहता है हमारी जिम्मेदारी होती है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है। यहां पे हमें चाहिए ये था कि 12,000 में चीज खरीद लेते, अपना बिजनेस चलाते, 2,000 उसे क्लेम कर लेते, लेकिन हमने अगर चीज 12,000 में नहीं खरीदी, उसी का इंतजार करते रहे और हमें मजीद नुकसान हुआ, तो जो मजीद नुकसान हुआ ना, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं हुआ, वो हमारी नाअहली की वजह से हुआ, हमारी नाहली की वजह। तो यहां पे अगर आप एज्यूम करें कि जो चीज सप्लाई की जा रही थी उसकी मार्केट प्राइस एग्जिस्ट कर रही थी, उसकी मार्केट एग्जिस्ट, उसने क्वेश्चन में नहीं बताया, लेकिन अगर ये इस अजम्पशन के साथ करें कि मार्केट एग्जिस्ट कर रही थी, तो फिर इसके डैमेजेस क्या होंगे? मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का फर्क। लेकिन अगर वो चीज की मार्केट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, सिर्फ इसी बंदे ने सप्लाई करनी थी, इस सूरत में डैमेजेस क्या होंगे? प्रॉफिट, जैसा वो पीछे फैक्ट्री वाली एग्जाम्पल में हमने किया। आप ऑर्डिनरी और स्पेशल में चक्कर में पड़े ना कि कहां क्लासिफाई करें, आप ये देखें डैमेजेस क्या होंगे, उसकी वजह से रिक्वायरमेंट क्या, हाउ मच इज प्रोटीन एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम जीपॉन्ग। आके अगर मार्केट एग्जिस्ट करती थी तो मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का फर्क, और मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती थी तो जितना भी उसका प्रॉफिट था सीजन का नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, वो क्लेम करेगा। ठीक है, पीछे फैक्ट्री वाले केस में भी इसी तरह आप आंसर कर सकते हैं। अगर जो पुर्जा उसने ड्यू डेट पर डिलीवर करना था नहीं किया, अगर वो दूसरी जगह से मिल रहा था तो वहां से खरीदते हम, और उस सूरत में डैमेजेस क्या होते हैं? मार्केट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का फर्क। लेकिन उस केस को उसने किस एंगल से सॉल्व किया कि उस पुर्जे की मार्केट एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि बड़ी मशीनरी जिससे खरीदे पुर्जे भी उसी से खरीदेंगे, तो मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती, तो अब हमने क्या क्लेम किया? उसका नॉर्मल प्रॉफिट। पर ये बात समझ आती है, मार्केट एग्जिस्ट होने या ना होने से फर्क पड़ता है। मार्केट एग्जिस्ट कर रही है तो हमारे डैमेजेस क्या होंगे? मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का फर्क, और अगर मार्केट नहीं है तो रीजनेबल प्रॉफिट। चलिए आगे चलते हैं, ये मैं नोट कर लूं ताकि सॉल्यूशन में ना आइंदा दोनों एंगल से बात कर लिया करें, बेहतर है। नेक्स्ट 25, ये फैक्ट्री वाला कौन सा क्वेश्चन था? 24, हाँ ठीक है, ठीक है। सॉल्यूशन को अकॉर्डिंगली दोनों तरह से सॉल्व कर लें। सुशा में दोनों बातें लिखते हैं कि मार्केट एग्जिस्ट करती है तो क्या, ये मार्केट का पॉइंट समझ आ गया ना आपको? आगे चलते हैं। अनवर ए ट्रेड्समैन लीव्स गुड्स एट सलीम्स हाउस बाय मिस्टेक, सलीम ट्रीट्स द गुड्स एज हिज ओन एंड कंज्यूम देम, अनवर हैड टू बाय द गुड्स फ्रॉम मार्केट नेक्स्ट डे, इज सलीम लायबल टू पे एनीथिंग टू अनवर? ये तो हमने कहां पढ़ा था? कुजाई कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा था, फाइंडर ऑफ द गुड में नहीं पढ़ा था? मनी पेड में मिस्टेक, मनी ऑर्डर गुड पेड में मिस्टेक, तो क्या सलीम लायबल है पे करने के लिए अनवर को? बिल्कुल, उन चीजों की मार्केट प्राइस पे करने के लिए लायबल है। ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस का नहीं है, लेकिन मैं आंसर कर देता हूँ। क्वेश्चन इनका ये है, सर फर्स्ट कीजिए, पहले डे वन में उसने 1 किलो सेब जो थे वो उसके घर में रखे, और उस वक्त 1 किलो सेब थे 200 रुपए के, वो खा गया सेब, अगले दिन किलो सेब मिले 250 के, रेट हो गया 250 का, तो वो कितने पे करेगा? 200 पे करेगा कि 250 पे करेगा? जी 200 तो कंफर्म पे करेगा,
लेकिन एक्स्ट्रा पैसे उसको सलीम को किस वजह से पे करने पड़े, अनवर को किस वजह से पे कर, सलीम की वजह से हाँ जी, क्योंकि सलीम की वजह से वो उसी दिन चीजें नहीं खरीद सकता था। इसमें ना अब क्या आपको ज्यादा सुनना है, नहीं कंफ्यूजन नहीं है, थोड़ा डिटेल पॉइंट है कंफ्यूजन। ये भाईजान मेरे घर आए, 1 किलो सेब लेके आए, मैंने खा लिया, उसके बाद आज सेब का रेट है 200। अगर तो मैंने इनको आज ही पैसे दे दिए और कहा जाके, और ये आज ही लेके आ सकते हैं, तो मैंने इनको 200 पे करना। अब देखा ये जाएगा जो अगला दिन पड़ा, तो ये एक दिन का डिले किसकी वजह से हुआ? अगर मेरी वजह से हुआ ना, तो मैं 250 पे करूंगा, जो कि यहां पे इस क्वेश्चन में है। लेकिन अगर मैं इन्हें 200 आज पे कर देता हूं आज का रेट, और ये आज नहीं जाते, आज घर जाके सो जाते हैं, कल जाते हैं और कल 250 हो जाता है, तो अब इनकी गलती है। ला कहता है इसकी गलती की वजह से आपको पेनालाइज नहीं किया जाएगा, ठीक है, अब मैंने 200 पे करना है, क्लियर हुआ। लेकिन ये कंसेप्ट हमारे सिलेबस में उसने कहीं किसी एग्जांपल में टेस्ट नहीं, उसने सिर्फ ये कहा है भाई जो भी मार्केट प्राइस वो पे करेगा रिकवर हो जाएगी। आगे चलते हैं। 26 बिलाल कॉन्ट्रैक्टेड टू पे ₹500,000 टू जमाल फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल फॉर ए स्पेसिफिक ऑर्डर फ्रॉम गवर्नमेंट। बिलाल क्लियरली स्टेटेड दैट इन केस ऑर्डर इज नॉट फुलफिल्ड ही विल लूज प्रॉफिट ऑफ ₹200,000। यहां पे कंसेप्ट ट्विस्ट है, इस केस स्टडी को आपने गौर से समझना है। बिलाल ने क्या कहा कि भाई अगर तुमने ऑर्डर ना फुलफिल किया तो मुझे 2 लाख का नुकसान हो जाएगा। यहां पे रुके जरा, अगर बिलाल सिर्फ इतना कहता कि मैंने गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, अगर तुमने मुझे माल सप्लाई नहीं किया मेरा कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान हो जाएगा, सिर्फ इतना बताता, क्या बिलाल को स्पेशल डैमेजेस पे किए जाते? आपका ध्यान नहीं, एक मिनट आ रहे हैं। बिलाल ने जमाल से कहा, ए जमाल अगर तुमने मुझे रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं किया तो मेरा गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें मुझे नुकसान हो जाएगा। अमाउंट नहीं बताई, सारी चीजें यही अमाउंट नहीं बताई मैंने, हाँ तो जितना नुकसान होगा, हाँ बिल्कुल जितना नुकसान, रीजनेबल से मुराद क्या है, जितना एक्चुअल लॉस हुआ है, जितना एक्चुअल लॉस हुआ है वो मिलेगा ना, बिल्कुल। अच्छा अब जरा मुझे बताइए, इसके साथ मैंने अगला कंसेप्ट जोड़ना है इस एग्जांपल के। मैंने जमाल से कहा अगर तुमने मुझे माल सप्लाई ना किया मुझे गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में 2 लाख का नुकसान हो जाएगा। एक मिनट है रे, मैंने इन्होंने माल सप्लाई नहीं किया मुझे गवर्नमेंट के साथ नुकसान हुआ 1.5 लाख का, कितने स्टूडेंट, अच्छा एक मिनट है रे, कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि 2 लाख ही मिलेगा क्योंकि 2 लाख मेंशन कर दिया था, कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि 1.5 लाख मिलेगा? अच्छा एक मिनट है रे, होना कितना चाहिए? 1.5 लाख होना चाहिए, एग्जैक्टली ला कहता है कि 1.5 लाख पे हो, क्योंकि असल में नुकसान ही हुआ ना, रीजनेबल अमाउंट तो 1.5 लाख है ना, जितना नुकसान हुआ है, जो नुकसान जो रीजनेबल अमाउंट नहीं है वो तो पे नहीं होगी ना। पेनल्टी वाला कंसर्न समझाया था, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करते हैं कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट आप 50 करोड़ रुपया पे करेंगे, तो इन केस ऑफ डिफॉल्ट कितनी अमाउंट पे होगी? रीजनेबल। अब सुने, अभी भी एक ट्विस्ट है। पहले मुझे ये बताइए कि ये पेनल्टी वाला पॉइंट समझ आ गया? ट्विस्ट ये है कि मैंने जमाल से कहा अगर तुमने मुझे माल सप्लाई नहीं किया गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है 2 लाख का नुकसान हो जाएगा मुझे, अगर तुमने माल सप्लाई नहीं किया तो मैं तुमसे 2 लाख रुपया निकलवाऊंगा। अभी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया और मुझे 2.5 लाख का नुकसान हो गया, एक्चुअल लॉस मेरा 2.5 लाख का, अब बताइए अब 2 लाख होगा रिकवर। इसका मतलब यह है कि बेहतर यही है कॉन्ट्रैक्ट में कोई अमाउंट पेनल्टी की मेंशन ना की जाए। लॉ इस अमाउंट को बारे में पता है क्या व्यू रखता है? लॉ ये कहता है हम ये अमाउंट अलाउ नहीं करेंगे, हम अलाउ करेंगे रीजनेबल एक्सपेंस अप टू मैक्सिमम ऑफ दिस अमाउंट, रीजनेबल एक्सपेंस अप टू मैक्सिमम ऑफ दिस अमाउंट, तो कैप लग जाता है। तो बजाय ये कि हम कैप लगवाए हम वो जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहां पर जहन में रखिएगा, उन्होंने कहा जी 2 लाख तो डैमेजेस कितने होंगे? ना 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 ना, रीजनेबल अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख, रीजनेबल क्योंकि अमाउंट मेंशन की है, अमाउंट का रूल पेनल्टी वाला लैदा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 में पढ़ा है, उसमें यही पढ़ा है ना, अगर आप बड़ी हवाई अमाउंट सेट मेंशन कर दें तो क्या वो पे की जाएगी? वो कहता है नहीं, रीजनेबल पे की जाएगी। एक 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 जी, कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई भी प्राइस मेंशन नहीं है कंपनसेशन डैमेजेस क्या पे होंगे? एक्चुअल। ला कहते हैं रीजनेबल, जो कि एक्चुअल होते हैं, रीजनेबल या एक्चुअल पे होंगे। ये बात समझ आ गई? अगला पॉइंट क्या आपका? अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस मेंशन कर दी, अब कॉन्ट्रैक्ट क्या अलाउ करेगा? रीजनेबल अप टू मैक्सिमम, अब उसको कैप कंसीडर करते हैं उसको,
उसको कैब कंसीडर, ये मैक्सिमम वाला पॉइंट लिखा हुआ नॉट एक्सीडिंग, हाँ नॉट एक्सीडिंग मतलब ये अप टू दिस लिमिट, तो ये ध्यान में रखिएगा ये मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं डिफॉल्ट में 2 लाख पे होगा, रीजनेबल पे होगा, क्योंकि बाजू का इसकी बेसिक रीजन लॉजिक उसने नहीं बताई, लेकिन रीजन होती है सम टाइम कॉन्ट्रैक्ट करते हुए किसी एक पार्टी के ऊपर ना अनड्यू फोकस करके अनरीजनेबल टर्म्स एग्री करवा ली जाती है, जैसे पैसे दिए मैंने इनको 1 लाख रुपया, एग्रीमेंट करवा लिया 2 लाख का, या पैसे दिए 1 लाख के, इन्हें कहा तो मुझे हर महीने किस्त देते रहना, अगर जिस दिन किस्त ना दी तो पैसे मैं तुमसे 2 लाख लुटवाऊंगा। अब लॉ इस चीज को नलीफाई करता है, वो कहता है इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस तरह की, वो 1 लाख है 1 लाख ही देगा, हाँ डिले की वजह से जितना इंटरेस्ट बनता है ना ऊपर वो ले लें आप, लेकिन ये तो नहीं 1 लाख का 2 लाख बन जाए, ये कहां का इंसाफ है, तो 1 लाख का 2 लाख कभी नहीं बनेगा, रीजनेबल चार्जेस बन जाए। एक क्वेश्चन में उसने कहा, बल्कि अभी पढ़ेंगे फिर डिस्कस करेंगे, अभी इसके आगे चलते हैं, कह रहे जमाल डिड नॉट डिलीवर द रॉ मटेरियल, जमाल ने रॉ मटेरियल डिलीवर नहीं किया, बिलाल कुड बाय द रॉ मटेरियल फ्रॉम मार्केट फॉर 6 लाख, 6 लाख यानी मार्केट प्राइस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है, डैमेजेस क्या बनते हैं, अच्छा मुझे बताइए स्टेटेड डैमेजेस 2 लाख पे होंगे कि एक्चुअल लॉस 1 लाख, मिनिमाइज द लॉस, इसकी जिम्मेदारी थे कि 6 लाख मार्केट से उठाता 6 लाख और 1 लाख रुपया उसे रिकवर करवा लेता, भाई यही कंसेप्ट है ना, देखिए एक्चुअल एक्चुअल लॉस कितना है, एक्चुअल रीजनेबल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का फर्क 1 लाख, स्टेटेड कितना है, लिखा कितना करना 2 लाख, तो क्या हमने पढ़ा कितना पे किया जाएगा 1 लाख, बट डिड नॉट, लेकिन उसने कहा मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट में 2 लाख लिख दिया हुआ, मैं तो स्कूल से बैठता हूँ बताता हूँ इसको मैं 2 लाख रुपया रिकवर करवा के इसे, है मेरे मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करके पूरा नहीं किया, फिर उसके बाद फाइल सूट फॉर रिकवरी ऑफ स्पेशल डैमेजेस ऑफ ₹2 लाख, हाउ मच डैमेजेस बिलाल कैन रिकवर, कैलकुलेशन बता देंगे, कैलकुलेशन का मतलब ये होता है कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया, क्लियर, चलिए क्लियर समझ आ गई, एक मिनट समझ आ गई ना, पक्की बात है, अभी परेशान होकर नहीं देखना है, आप परेशान होकर देखो मैं परेशान हो जाता हूँ, जी जी पूछ, आवाज नीची के बॉस ये ले, अब ठीक है चलिए जी आगे चलते हैं, अच्छा आबिद टू के शॉप ऑन रेंट फ्रॉम हामिद, अब ठीक है आबिद टू के शॉप ऑन रेंट फ्रॉम हामिद एंड पेड 1 month रेंट इन एडवांस, रेंट पे दुकान ली महीने का रेंट, हाँ तो ऐसा ही होता है एडवांस में महीने का रेंट दे दिया, ऐसे ही करना चाहिए था, हामिद कुड नॉट गिव पोजेशन ऑफ द शॉप टू आबिद, हामिद आबिद को पोजेशन नहीं दे सका शॉप की, आबिद चूजेस टू डू नो बिजनेस फॉर 8 months, दो देर वर अदर शॉप्स अवेलेबल इन द विसिनिटी, दूसरी शॉप अवेलेबल थी, उसने कहा नहीं भाई मैंने इस दुकान पे बिजनेस करना था, इसने मुझे रेंट पे नहीं दी, तो मैं तो बड़े आराम से डैमेजेस क्लेम करा, मैं कहूंगा इसने दुकान मुझे किराए पे नहीं दी, मैं बिजनेस नहीं कर सका 8 महीने, 8 महीने का मेरा एवरेज प्रॉफिट, नहीं वो ये सोच रहा है, मैं ये सोच रहा हूँ सर कि मैं घर में बैठ जाता हूँ, इसने मुझे दुकान किराए पे नहीं दी, तो मैं 8 महीने जब तक किराए पे देता नहीं मुझे दुकान, मैं बिजनेस नहीं करूंगा, कहूंगा इसकी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मैं बिजनेस नहीं कर सका, हाँ ये मेरी अपनी गलती है, मुझे इसमें 1 महीने का भी नहीं एडवांस दिया वापस मिलेगा, एडवांस की पेमेंट लेट की उसका इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन लेकिन इसमें ये बिल्कुल ऐसे ही है, अगर मैंने उसे कहा भाई अगर तुमने मुझे रॉ मटेरियल सप्लाई ना किया मेरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, बता दिया इनको, इन्होंने रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं किया लेकिन मार्केट में दूसरी जगह रॉ मटेरियल मौजूद था, मैंने नहीं खरीदा, मैंने कहा फैक्ट्री, हाँ तो क्या मुझे अब वो नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं मिलेगा मुझे, क्यों, लॉ कहता है भाई मिनिमाइज करना था ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि लॉस को मिनिमाइज करना है, मैं अगर दूसरी जगह से वो बाय नहीं करता तो ये मेरी गलती की वजह से नुकसान हुआ है, उससे कोई पैसे रिकवर नहीं होंगे, अल्टरनेटिव अवेलेबल था, शाबाश, तो अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अल्टरनेट ऑप्शन अवेलेबल हो तो उसको एक्सरसाइज करना है, अगर उसको एक्सरसाइज नहीं करते और फिर नुकसान होता है वो जिम्मेदारी नहीं, ठीक है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में अल्टरनेट ऑप्शन को अवेलेबल अवेल करना है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में अल्टरनेट ऑप्शन अगर है को अवेल करना है, तो यहां पे अल्टरनेट ऑप्शन अवेल नहीं, कोई डैमेज नहीं लगेगा, भाग जाओ भाग जाओ, ये क्लियर हो गया क्या सर, आसफा ए सिंगर कॉन्ट्रैक्ट विद बहजाद, कसम नहीं खानी मैम गालिज वाले को तो बताऊं मैंने एक एक एग्जांपल कराए,
A singer contracts with Behzad, the manager of a theater, to sing at his theater for two nights in every week during the next 2 months, and Behzad engages to pay her 1 lakh for each night's performance. On the sixth night, अच्छा वो ऐसा produce करता है हमेशा night six night को कराता है उसे absent. Willfully समझ आ गया आपको? ये super winning impossibility नहीं है. Absent herself from the theater and Behzad in consequence rescinds the contract. Can Behzad claim any damages? Yes. कोई अमाउंट नहीं स्पेसिफाई, अमाउंट स्पेसिफाई कर ही नहीं सकते आप. वो 1 लाख वो पैसे थे जो बहजाद ने देने थे आसवा को. ये 1 लाख रुपया आप आसवा को नहीं मिलेगा, सिक्स नाइट्स नहीं मिलेगा. यहां तक अगर वो पूछता ना कि आसवा को कितने पैसे मिलेंगे, हम कहते 5 लाख. अब वो आसवा के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ नहीं रहा, वो तो बहजाद के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है. हम कहें बहजाद डैमेजेस क्लेम कर सकता है जो उसे आसपास के अटेंड थिएटर अटेंड ना करने की वजह से नुकसान हुआ हो. अब वो उसकी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होगी, वो दिखाएगा कि पिछली दफा जब सिंगिंग की थी तो इतने कस्टमर आए थे, इनसे मुझे इतना प्रॉफिट हुआ था. इस दफा सिंगिंग नहीं की, कस्टमर की तादाद कम हो गई, तो जितनी कस्टमर एबसेंट है उनकी रेशियो निकाल के प्रॉफिट कहा जाएगा, इतना मुझे नुकसान हुआ. वो ये कैलकुलेशन इस तरह की डिटेल में करवाएगा. 1 लाख तो वो पैसे नहीं है जो आसपास ने बहजाद को देने आता तय ये पाया, ये वो पैसे है जो बहजाद ने. अच्छा आपने क्वेश्चन को इसी से क्वेश्चन उठाते हैं अपना अगला. अगर कॉन्ट्रैक्ट में यह तय पाता, मैंने समझना कि ये सारे जो बार 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 क्वेश्चन कर रहे हैं आपको कुछ समझ आई कि नहीं. कॉन्ट्रैक्ट में यह तय पाता कि अगर आसपास ने एबसेंट हुई तो वो 1 लाख रुपया कंपनसेशन के तौर पे बहजाद को पे करेगी. अब आसपा विलफुली एबसेंट हुई, आसपा ने कितने पैसे बहजाद को पे करने? हाँ शाबाश, एक्चुअल लॉस अप टू 100,000. शाबाश, चलिए पिक कर लिया भाई, ये क्लियर हो गया. क्वेश्चन में खास तौर पे देख लेना भाई किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है, ए के बी के पूछा है, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से था भाई ने ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया. तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को तसल्ली से पढ़ना है. चलो आई के आपका क्वेश्चन आ गया, शुक्र. Slim entered into a contract for the purchase of 5 vehicles from Phoni Limited PL which were to be delivered in the month of February. Slim also entered into another contract for onward sale of these vehicles to Jabbar Limited. अब ये second contract भी है. अगर breach of contract होता है तो इसका मतलब है एक तो ordinary damages होंगे ना, जो contract price और market price का difference है. और दूसरा क्या ये दूसरे contract के पैसे इस पे जो नुकसान हुआ होगा, पहले breach की वजह से दूसरी breach हुई, इसका loss claim कर सकते हैं? Depend करता है communicate किया कि नहीं किया. आपने बाकी ध्यान से क्वेश्चन में आपने मुझे बताना है कम्युनिकेट किया कि नहीं किया, और जो भी किया तो उसका आगे आंसर क्या होगा, आपसे पूछना मैंने, क्योंकि आपने सवाल उठाया था ना ये. अब आगे चलते हैं. हाउएवर पीएल रिफ्यूज्ड टू डिलीवर द व्हीकल्स एज कॉन्ट्रैक्टेड. पीएल ने कहा मैंने व्हीकल डिलीवर नहीं करने. स्लिम हैड टू बाय द व्हीकल्स फ्रॉम अनदर सप्लायर एट एन एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ ₹2 मिलियन फॉर सप्लाइंग दीज टू जीएल. स्लिम आल्सो हैड टू पे कंपनसेशन ऑफ ₹0.6 मिलियन टू जीएल ड्यू टू डिले इन सप्लाई. दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का लॉस पहले के लॉस में ऐड होगा कि नहीं? दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का लॉस पहले कॉन्ट्रैक्ट के लॉस में ऐड होगा कि नहीं? रूल क्या है? डिपेंड करता है कम्युनिकेट किया कि नहीं किया. कैलेंडर प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एनालाइज द अबव सिचुएशन एंड कमेंट वेदर स्लिम इज एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी कंपनसेशन फ्रॉम पीएल. ऑर्डिनरी डैमेज कितना? 2 मिलियन. क्लियर हो गया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का फर्क? नहीं, एक मिनट ठहर जाए, ये तो मार्केट प्राइस है, 2 मिलियन तो मार्केट प्राइस है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस किधर है? हाँ, ये उसने डिफरेंस ही बताया हुआ है, ये उसने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, मार्केट प्राइस कैसे पता चला? डिफरेंस ही बताया हुआ है. लफ्ज एक्शन, मैं पहली दफा जब ये केस स्टडी कर रहा था ना, एक्शन का लफ्ज भूल गया था मैं कहा 2 मिलियन ढूंढता रहा, और ये तो हो गई मार्केट प्राइस, कि उसने मार्केट से 2 मिलियन का उठाया, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या थी? नहीं मिली. फिर सोल्यूशन देखा, उसने 2 मिलियन, फिर दोबारा फिर एक्स्ट्रा पे आके मैंने कहा हाँ एक्स्ट्रा का मतलब है एडिशनल, यानी ये डिफरेंस ही उसने हमें बताया हुआ है, डिफरेंस ही बताया हुआ. ये तो हो गई ऑर्डिनरी डैमेजेस, जो कि है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का फर्क. अब ये स्पेशल डैमेज है, क्यों? क्योंकि दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के हैं, जो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान हुआ वो स्पेशल डैमेज है. स्पेशल अलाउ किए जाएंगे कि नहीं? मुझे बताइए क्या कम्युनिकेट किया कि नहीं उसने? बताया नहीं हुआ बेहतर अल्फा, ये कहना कि कम्युनिकेट नहीं किया गलत है. आपने आपने सोचना है कि बताया नहीं, कम्युनिकेट किया कि नहीं, दोनों में फर्क है. कम्युनिकेट नहीं किया में और बताया नहीं में फर्क है. क्वेश्चन में उसने हमें बताया नहीं हुआ, तो हम दोनों सिचुएशंस कवर करेंगे. इफ कम्युनिकेटेड तो 0.6 मिलियन भी जाएगा, इफ नॉट कम्युनिकेटेड. जी नहीं समझ, कोई बात नहीं.
करना है। हाँ नहीं, अगर सिर्फ उसको बता भी देता ना, इसमें बताने से क्या, उनका क्वेश्चन यह है सर कि इसमें अगर बताया होता तो कैसे बताता। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर वो ये कहता, कहता पीएल से कि आप जो मुझे सप्लाई करेंगे ना गुड्स, वो आगे मैंने जेएल को सप्लाई करनी है, ये सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होती क्लेम करने के लिए। इसका मतलब यह है कि अब पीएल को पता है कि अगर मैंने सामान सप्लाई नहीं किया तो एक दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन हो जाएगी, अब स्पेशल डैमेजेस अलाउ होंगे, इंटाइटल हो गए, एलिजिबल हो गए हम। अमाउंट क्या होगी उसकी, अमाउंट क्या होगी उसकी, रीजनेबल। अगर कुछ मेंशन नहीं किया ना, जैसे इस केस में अमाउंट को उसने सलीम लिमिटेड नहीं बताया हुआ, फर्ज कीजिए उसने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता देता लेकिन उसका इफेक्ट कितना होता वो नहीं बताया, तो फिर कितना लॉ अलाउ करता है, रीजनेबल, यानी जो एक्चुअल हुआ है। और अगर मेंशन कर देता भाईजान तुमने जो मुझे चीज सप्लाई की ना, मैंने जेएल को देनी है, और अगर मैंने जेएल को ना डिलीवर की तो 1 मिलियन का लॉस हो जाएगा। इस सूरत, अगर ये ऐसी सिचुएशन को ऐसे में लिखी होती, इस सूरत में कितना लॉ होता, 0.6, स्टेटेड अमाउंट नहीं, एक्चुअल या रीजनेबल अमाउंट। पेनल्टी, पेनल्टी कभी भी नहीं, पेनल्टी कभी भी नहीं, पेनल्टी कभी भी नहीं, ठीक है, क्लियर हो गए। चले छोड़े, सिलेबस से बाहर नहीं करने, यही चीज नहीं हो जाए। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ डिटरमिनिंग कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेजेस कॉज्ड ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दो तो सीधे करते हैं, ऑर्डिनरी डैमेजेस है, मार्केट प्राइस और उसका फर्क, स्पेशल डैमेजेस है तो बताया होगा तो रिकवर होंगे। दो तीन पॉइंट और भी हैं, एक पेनल्टी नहीं पे करनी, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉस को मिनिमाइज करना बाय अल्टरनेट ऑप्शन, और तीसरा जो इनडायरेक्ट या टू रिमोट लॉसेस हैं वो अलाउ नहीं होंगे जी। नहीं, टू रिमोट किसी भी रीजन भी तो नहीं करना है, टू रिमोट तो यह है कि एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, मार्केट में मेरी रेपुटेशन खराब हुई, वो टू रिमोट हो जाएंगे ना, हाँ जी, वो पेनल्टी में चला। भाई क्लियर हो गया ये, असलान अंडर ए सेल ऑफ गुडविल अरेंजमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद बुरहान दैट इफ असलान प्रैक्टिसेस एज ए सर्जन विद इन पिशावर ही विल पे बुरहान रुपीज 5 मिलियन। अगर तुमने पिशावर में प्रैक्टिस की, सर्जन की 5 मिलियन पे करोगे, असलान प्रैक्टिसेस एज सर्जन पिशावर, हाउ मच बुरहान कैन रिकवर एज कंपनसेशन, रीजनेबल के 5 मिलियन। ये अमाउंट मेंशन की गई है, बिल्कुल, जब अमाउंट मेंशन की गई है रूल क्या होता है, रीजनेबल नॉट एक्सीडिंग स्टेटेड अमाउंट, रीजनेबल नॉट एक्सीडिंग 5 मिलियन पे किया जाएगा। पेनल्टी है कि नहीं है, कि अगर 1 मिलियन तुमने ड्यू डेट पे देना नहीं दिया ना तो फिर 2 मिलियन देने पड़ेंगे। द डबल अमाउंट इज डिस्प्रोपोर्शनेट टू द लाइकली एक्चुअल लॉस। आपको पता है मनी के केस, जिस तरह गुड्स के केस में जो डैमेजेस होते हैं वो मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क होता है ना, मनी डिलेड के केस में रीजनेबल अमाउंट क्या होती है, भला डिले इंटरेस्ट, उतने पीरियड का इंटरेस्ट, दिस इज पेनल्टी, ये पेनल्टी क्लॉज है। आजम फेस रुपए बाबर रुपीज 1 मिलियन ऑन दैट डे, हाउ मच कंपनसेशन कैन बी रिकवर्ड इन दिस केस, 1 मिलियन रिकवर होगा, ऊपर का 1 मिलियन रिकवर नहीं होगा, हाँ उसकी जगह पे क्या, इंटरेस्ट, रीजनेबल इंटरेस्ट। हाँ फर्ज कीजिए अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट होते 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 1.5 मिलियन का हो जाए, फिर 1 मिलियन होगा, क्योंकि रीजनेबल अप टू मैक्सिमम लिमिट। वैसे ऐसा होगा नहीं, होगा भी तो 150-200 साल में होगा जाके, नहीं जल्दी हो जाएगा मेरा हाल। 33 आजम अंडरटेक्स टू रीपे बाबर ए लोन ऑफ रुपीज 1 मिलियन बाय 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स विद द स्टिमुलेशन दैट इन केस ऑफ इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट होल शैल बिकम ड्यू, हाउ मच कंपनसेशन कैन बी रिकवर्ड। क्या ये प्रोविजन रेलिवेंट है कि आपने 1 लाख रुपया देना है 1 मिलियन 5 किस्तों में, अगर एक किस्त में भी डिले हुआ सारी अमाउंट फौरन पे करना पड़ेगी, आपको लग रहा है ये ठीक नहीं है प्रोविजन, ये ज्यादती है उसके साथ। तकरीबन बैंक के साथ जितने भी एग्रीमेंट आप करेंगे या लोग करते उनमें ये प्रोविजन शामिल होती है, क्लॉज लोन एग्रीमेंट का हिस्सा होती है, ये फेयर है। नहीं एक मिनट है, आपने लिया बैंक से लोन 10 मिलियन का अपनी कंपनी के लिए, आपने हर साल 1 मिलियन पे करना है, इस 10 मिलियन से आपने कुछ एसेट खरीदे मशीनरी वगैरह बिजनेस चलाने के लिए, 2 किस्तें पे कर दी, तीसरी किस्त पे डिफॉल्ट कर दिया,
बैंक अपना पूरा लोन आपसे रिकवर ना करवाए कि इंतजार करे आप तीसरी के बाद चौथी किस्त में डिफॉल्ट करें, पांचवी भी करें, तब तक जो एसेट है आपके वो भी चल चल के जीरो वैल्यू के हो जाए या थोड़ी सी वैल्यू के हो जाए, बैंक इंतजार करे? कभी इंतजार नहीं करता। बैंक को जैसे ही अंदाजा हो जाए ना कि ये डिफॉल्ट करने वाले हैं, वो डिफॉल्ट होने का इंतजार नहीं करता, वो अपने पैसे पूरे निकलवा लेता है। इसीलिए ये कंडीशन तकरीबन हर लोन एग्रीमेंट का हिस्सा, और इसमें देखें एक्स्ट्रा अमाउंट तो है ही नहीं। वो ये तो नहीं कह रहा कि अगर आप डिफॉल्ट करेंगे मैं तो आपसे 1 मिलियन और लूंगा, वो कह रहा है मैंने जो आपको लोन दिया था वही वापस लूंगा। सिर्फ ये है कि चूंकि आपने डिफॉल्ट किया, एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की, तो एग्रीमेंट खत्म, एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की, एग्रीमेंट खत्म। ये पहले जी जी, तो फिर 6 लाख पे करेगा ना, फिर बाद में तो नहीं होगा। होल, होल से मुराद रिमेनिंग है, किधर लिखा हुआ होल? होल शैल बिकम ड्यू से मुराद है जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगी। आपका कोई क्वेश्चन था? टाइम पीरियड देता है, लेकिन वो प्रैक्टिकली देता है ना, ग्रेस पीरियड टाइम वगैरह देता है, लेकिन और सम टाइम माफ भी कर देता है, सम टाइम माफ भी कर देता है, लेकिन हमने तो क्वेश्चन में उसके फैक्ट्स के मुताबिक उसको बताना है, हमने थोड़ी बताना प्रैक्टिस में क्या होता है। हमने कहा ठीक है, ये रीजनेबल है, रीजनेबल है। अगर आपको कोई पैसे किस्त किस डिफॉल्ट किया नहीं दे रहा ड्यू डेट पे, आप सारे के सारे पैसे फौरन उससे निकलवा सकते हैं। 34 आजम बारह रुपीज 1 मिलियन फ्रॉम बाबर एंड गिव्स हिम अ बॉन्ड ऑफ रुपीज 2 मिलियन पेएबल बाय 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज 400,000 With the stipulation that in default payment of any installment, the whole shall become due. नहीं वही बात नहीं है, वही बात नहीं है, इसमें ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है जी, आप बताइए क्या ट्विस्ट है? क्वेश्चन मुकर्रर, क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही। आजम ने बाबर से 1 मिलियन उधार लिया और उसे एग्रीमेंट कहा में लिखा कि मैं 2 मिलियन पे करूंगा 4-4 लाख की 5 किस्तों में। यहां तक समझ आ गया? और अगर डिफॉल्ट किया तो सारे के सारे पैसे पे कर दूंगा। अब बताइए क्या पे करेगा डिफॉल्ट पे? इसमें इसमें मसला क्या भला? मसला यह है कि लिया 1 लाख है, एग्रीमेंट पे करने 2 लाख करा, लोन 1 लाख का लिया है और एग्रीमेंट 2 लाख के लिए डबल अमाउंट के लिए कर रहा है, वो 1 मिलियन पे करने के लिए लायबल है। अगर डिफॉल्ट करता है तो सारे का सारा इमीडिएटली पेबल होगा, लेकिन कौन सा वो डेट जो दिया 1 मिलियन के हिसाब से, और 2 मिलियन थोड़ा होगा, ये तो पेनल्टी है। आपको वो केस याद है जिसमें बाप ने बेटे से जब वो मेजर हो गया था तो अनड्यू इन्फ्लुएंस के जरिए से जो अमाउंट ड्यू थी उससे ग्रेटर अमाउंट का प्रोमिसरी नोट लिखवा लिया था, और हमने कहा था ये तो वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी, अनड्यू इन्फ्लुएंस भी प्रिज्यूम किया था हमने, तो उसमें क्या हमने कहा था कि 1 रुपया भी नहीं देना, जो रीजनेबल अमाउंट थी वो देनी थी, जो हाई अमाउंट थी ना वो बे नहीं कर। ये भी वही केस है, डिफॉल्ट होगा तो 1 मिलियन रीजनेबल है, ऊपर वाला 1 मिलियन तो पेनल्टी है, ये बे नहीं होगा डेफिनेटली। टाइम डिले की वजह से जो इंटरेस्ट होगा वो पे किया जाए, इंटरेस्ट वाला पॉइंट लिखना चाहिए, उसने तकरीबन हर सोल्यूशन में लिखा हुआ है, तकरीबन शायद कोई एक दो जिसमें मनी डिले हो, जिसमें गुड्स डिले हो ना उसमें इंटरेस्ट नहीं लिख देना, उसमें मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का फर्क लिखना है। आसिफ हुआ उस मनी टू बशीर है, मनी लेंडर अंडरटेक्स टू रीपे हिम बाय डिलीवरिंग टू हिम 10 टन ऑफ ग्रेन ऑन ए सर्टेन डेट एट स्टिपुलेट दैट इन द इवेंट ऑफ हिज नॉट डिलीवरिंग बाय द स्टिपुलेटेड डेट ही शैल बी लायबल टू डिलीवर 20 टन। एग्रीमेंट देयर डिलीवर करना 10 टन, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर डालने के लिए लिखवा लिया गया कि अगर तुमने 10 टन पे नहीं किया, डिलीवर नहीं किया, तो 20 टन करना पड़ेगा, और 10 टन नहीं करेगा जो रीजनेबल है, रीजनेबल है। हाँ हाँ, अगर डिले नहीं किया तो बशीर को जो नुकसान हुआ ऑर्डिनरी डैमेजेस, बशीर ऊपर वाला 10 टन तो रिकवर नहीं करवा सकता, लेकिन अगर लेट डिलीवरी की वजह से, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बशीर को कोई नुकसान हुआ है वो क्लेम करवा सकता है, वो ऑर्डिनरी डैमेजेस है, वो बशीर का हक है। आजम गिव्स बाबर ए बॉन्ड फॉर द रीपेमेंट ऑफ रुपीज 1 मिलियन विद इंटरेस्ट एट 12% एट द एंड ऑफ 6 months in the case of default, it shall be payable at the rate of 75% from the date of default. कह रहा 12% के हिसाब से एग्रीमेंट हुआ था और ये तय पाया अगर डिफॉल्ट होगा तो 75% के हिसाब से पे किया जाएगा, क्या 75% के हिसाब से पे किया जाए? ये पेनल्टी है, 75 नहीं रीजनेबल के लिहाज से। एमसीक्यूज कोई बात नहीं, वो छोटे भाई से कहिएगा वो कर लेगा एमसीक्यू। अच्छा आज टेस्ट है, आपने टेस्ट देना है, चलिए ठीक भाई काउंट कीजिए कितने स्टूडेंट है, अगर इतने टेस्ट ना आए फिर, इतने टेस्ट अगर ना आए फिर, जिस जिस जिसने टेस्ट देना है वो चला जाए और जिसने टेस्ट देना है बैठा रहे।
हाँ सर आज चले ठीक है, एमसीक्यूज फिर कल पे कर लेते हैं। अच्छा एमसीक्यूज अच्छे, एमसीक्यूज अच्छा, वो पूरा चैप्टर रिवाइज करवाते हैं, पूरा चैप्टर रिवाइज, हालांकि छोटा सा भाई कसम खानी है, सारी चीजें करवाने हैं, वरना आप कहेंगे सर वो एक एग्जांपल रह गई थी आई आपकी बुक में उसका एक। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम, अल्लाह हाफिज।